और आज है मेरे पास ऑल न्यू वरना भाई, इसको तो जानते हो भाई, नई पुरानी वाली वरना थी, अभी नई वाली वरना आई है जो भाई बहुत तगड़े फीचर्स के साथ आई है। आगे से देख सकते हो भाई, पूरी ग्रिल विलेज चेंज कर दी है, इसके बारे में पूरी बात करेंगे, तो बने रहो वीडियो में। गाड़ी के चेंजेस के बारे में बात कर लेते हैं भाई, आगे से पूरी ग्रिल चेंज कर दी है और भाई बॉर्डर लाइन के साथ इंडिकेटर दे दिया है भाई, पूरी यहाँ से लेके एंड तक पूरी इसकी लाइट है और काफ़ी प्यारी लगती है भाई। पूरा ओवरऑल लुक दिखा देता हूँ एक बार, गाड़ी कितनी लंबी है भाई। इंजन की बात कर लेते हैं, 1.5 TDI भाई टर्बो इंजन मिलता है इसमें भाई, ये पेट्रोल वेरियंट में भी आई है गाड़ी, तो आपको डीजल में भी नहीं मिलेगी क्योंकि भाई थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, होपफुली आएगी जल्दी, बट अभी नहीं है इसके बारे में कोई स्पेसिफिकेशन, कंपनी जल्दी लेके आने वाली है, तो भाई बुकिंग कर लो जाके और मैं मेंशन कर दूंगा भाई अब यहाँ डीलरशिप का पूरा एड्रेस वगैरह नाम हम आप नीचे से जाके भाई बुक कर लेना। गाड़ी कितनी तगड़ी लगती है मैं चारों तरफ से एक बार दिखा देता हूँ आपको, बहुत तगड़ी लगती है और ये नाइट ग्रे कलर है भाई। और पीछे की बात करें गाड़ी के और टायर साइज की बात कर लेते हैं भाई, टायर साइज आपको मिलता है भाई 205/55R16 का टायर साइज आपको मिल जाता है, बहुत ही प्यारी गाड़ी लगती है देखो पीछे से, ये पूरा देख रहे हो यहाँ से यहाँ तक लास्ट तक है, वरना वाला भी रेड रेड वाला पोर्शन ये जलते हैं, ये बल्ब हैं, ये वाइट लाइट और रेड लाइट दोनों जलती है इसमें, काफ़ी तगड़ी लगती है भाई गाड़ी। अब भाई मैं दिखा देता हूँ इसका बूट स्पेस आपको भाई, सेगमेंट में सबसे ज़्यादा बूट स्पेस में आपको मिलता है, देख रहे हो भाई इतना ज़्यादा बूट स्पेस है भाई, पूरा अंदर तक मैं पहुँचा तो भी खत्म, मैं पहुँच ही नहीं पा रहा उसके लास्ट तक, बहुत ज़्यादा बूट स्पेस आपको मिल जाता है भाई, मतलब लास्ट तक बूट स्पेस आपको मिल जाता है, बहुत प्रीमियम भाई, अलग है भाई। भाई इस गाड़ी की बात करूँ तो भाई पीछे आपको ड्रम मिल जाएगा और आगे आपको भाई डिस्क ब्रेक मिलेंगे, पीछे आपको दोनों में ड्रम मिलेगा और आगे आपको डिस्क ब्रेक मिलेंगे, तो कैलिवर के साथ, रेड कैलिवर के साथ मिलेंगे आपको। रियर सीट में भाई देखो काफ़ी कंफर्ट मिलेगा और लेदर की क्वालिटी बात करो भाई, आपको बहुत तगड़ा इसमें लेदर यूज़ किया हुआ है। रियर सीट में आपको स्पेस दिखा देता हूँ मैं बैठ के भाई, मैं ड्राइवर सीट पूरा एडजस्ट है, उसके बाद देखो भाई अच्छा खासा स्पेस मिल जाता है आपको, इधर भी आप देख सकते हो ये बिल्कुल पीछे की गई है, तब जाके भाई इतना स्पेस मिल रहा है आपको। पीछे आपको एसी वेंट मिल जाते हैं और यहाँ पे दो चार्जिंग सॉकेट आपको मिल जाता है भाई, और पीछे का कुछ मैं दिखा देता हूँ आपको, यहाँ ग्रैब हैंडल्स मिल जाते हैं, यहाँ लाइट मिल जाती है, यहाँ सनरूफ आपकी होगी भाई, यहाँ पे आपको हैंडल नहीं दिया है ड्राइवर साइड, बाकी तीनों साइड आपको हैंडल मिल जाता है। पीछे की बात करें भाई, यहाँ पे आपको सबसे बढ़िया चीज़ ये दिया गया है सनसेडर, जिससे आप अपने पीछे का भी भाई ढक सकते हो, मस्त चीज़ दी गई है काफ़ी, पीछे भी स्पीकर्स का होल दिया गया है, मस्त आवाज़ आने वाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब भाई चलते आगे, देखते हैं आगे बैठ के एक बार, अब मैं आ गया हूँ भाई ड्राइवर साइड आगे, और बात कर लेते हैं भाई आगे, यहाँ पे देख रहे हो भाई कि पूरी यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको स्क्रीन मिलती है, और जो पूरी जॉइंट है दोनों के साथ है, जैसे भाई महिंद्रा XUV700 में आती है, यहाँ पे भाई आपको एम्बिएंट लाइट भी मिल जाती है जो काफ़ी तगड़ी लगती है भाई, देख रहे हो टाइगर टाइप भाई है, जैसे टाइगर के पंजे नहीं होते उस टाइप की यहाँ पे एम्बिएंट लाइट दी गई है, और बॉस के आपको इसमें स्पीकर्स मिल जाते हैं, तो भाई साउंड की तो कोई दिक्कत होने वाली नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस गाड़ी की, यहाँ पे आपको भाई छोटी वाली भाई नॉर्मल सी सनरूम मिल जाती है, यहाँ से आपको बंद और क्लोज कर सकते हो भाई, ठीक है, बहुत ही अट्रैक्टिव लुक कर दिया है। अब इसकी हैंड रेस की बात कर लेते हैं, यहाँ पे भाई हैंड ब्रेक वही पुराना वाला मिल जाता है, गियर लीवर मिल जाता है, यहाँ पे आपके 12 वोल्ट का सॉकेट मिल जाता है, USB मिल जाता है, सी टाइप भाई चार्जर मिल जाता है, और भाई वो इसकी बात करें भाई आर्मरेस्ट की, तो भाई छोटा सा स्पेस मिल जाता है पर ठीक है कूलिंग के लिए, और यहाँ ग्लव बॉक्स मैं आपको दिखा देता हूँ, वही पुराना वाला ग्लव बॉक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं है। बाकी चेंज वगैरह की बात करें तो भाई चेंज आपको आगे ग्रिल में देखने को मिलेगा, जो पूरी ग्रिल चेंज कर दी है इनमें भाई, ये TDI टर्बो इंजन है, तो भाई देख सकते हो उसके पैडल देखो भाई, स्पोर्ट्स वाले पैडल भी इसमें डाल दिए गए हैं, तो भाई यहाँ पे आपको AC कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ आपको ड्राइविंग कंट्रोल्स मिल जाते हैं सारे, और यहाँ पे भाई वायरलेस चार्जर भी आपको मिल जाता है, तो भाई कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, यहाँ से आप अपना AC का भाई एडजस्टमेंट कर सकते हो, एम्बिएंट लाइट मिल जाती है मस्त, यहाँ आपको वैनिटी मिरर मिल जाता है भाई जो को पैसेंजर के लिए, और यहाँ पे आपको वैनिटी मिरर नहीं, यहाँ पे भी मिल रहा है भाई, थोड़ा स्लाइडिंग वाला है तो मिल रहा है आपको कोई दिक्कत, और यहाँ पे आपको भाई दरवाजे के कंट्रोल मिल जाते हैं, यहाँ पे कुछ बटन्स मिल जाते हैं भाई, देख सकते हो भाई ट्रैक्शन ऑफ ऑन करने का, और यहाँ पे सारे बटन मिल जाते हैं, बोस के स्पीकर्स मिलेंगे भाई, बहुत तगड़ी लगने वाली गाड़ी,
और यहाँ पावर विंडोज है सारी, आप पावर विंडोज का यहाँ से कंट्रोल कर सके, ऑन ऑफ वगैरह पूरा कुछ यहाँ पे है। मस्त गाड़ी लगने वाली, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ड्राइविंग सीट के लिए ही है। ये इसको हटा देना चाहिए था। नहीं नहीं हटाना चाहिए, लेकिन थोड़ा पीछे लग रहा है, ये सही नहीं, ये वाला सिस्टम ज़्यादा निकल रहा है ना, ये ड्राइविंग सीट की तरफ जा रहा है ना। तो भैया थोड़ा नाखुश है इस गाड़ी से। नहीं नाखुश नहीं, बहुत प्यारी गाड़ी है और हम लोग की पसंदीदा गाड़ी है, लेकिन जो पुरानी वाली हम लोग लेने आए थे वो बंद हो गई है, स्विच कर दो है। फ्रंट सेंसर पूरा मिलता है भाई, यहाँ पे अटैच की ग्रिल मिल जाती है, तो भाई मस्त लग रही है गाड़ी। और वीडियो आपको कैसी लगी है कॉमेंट में जरूर बताना, होपफुली आपको मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, बाय।